आज एक बहुत बढ़िया यूनिक सी स्वीट डिश मेरे मन में आई, मैंने सोचा क्यों नहीं आप सबके साथ शेयर करूं। तो ये लीजिए, लेके आ गया मैं उसकी कंप्लीट रेसिपी। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बनाना का पराठा। केले का पराठा दोस्तों देखने में और सुनने में थोड़ा यूनिक और डिफरेंट जरूर लग रहा होगा, लेकिन एक बार जब आप इसको चखेंगे तो आप कहेंगे भाई वाह, इतना बढ़िया स्वाद इतनी इजीली घर पे इस स्वीट डिश में हमें मिल सकता है। तो चलिए आइए बनाते हैं बनाना का पराठा। इसको बनाने के लिए दोस्तों हमने एक रोटी से थोड़े से बड़े साइज का एक डो ले लिया है और उसको हमने बेल के थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा एनलार्ज साइज में रखा है। दोस्तों इसमें दो तीन चीज़ें बेहद यूनिक हैं जो मैं अब आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ा सा स्वीट होता है, तो इसमें हमें एक लेयर चीनी की ऐड करनी होगी। बहुत पतली पतली ऐसे आप चीनी स्प्रिंकल कर लीजिए, आप अपने स्वाद अनुसार चीनी को रखिएगा। बहुत यम्मीलिशियस बनेगा और खाते ही आपको मज़ा आ जाएगा। मैंने अपने स्वाद अनुसार इसमें शुगर ऐड कर लिया है। इसको हल्का सा प्रेस कर लें ताकि ये इधर उधर फैले नहीं, एक ही जगह पे ना आ जाए, हर बाइट में आपको शुगरी फ्लेवर मिलता रहे। अब दोस्तों हम एक जगह पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म होने रख देते हैं ताकि इसको हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए मैं बताता हूँ अब क्या करना है। आपको एक बनाना ले लेना है और आपको इस पराठे में पतला पतला चॉप करके काट के रखना है। ध्यान रहे आपको एक ही साइड पे सारा बनाना रखना है, हाफ ऑफ द शेप, ताकि हम इसको सेमी सर्कल शेप दे सकें। तो ऐसे हमने बनाना को पतला पतला चॉप कर लिया है। जितना पतला चॉप करेंगे उतना बढ़िया मेल्ट इन माउथ टाइप का इसका स्वाद आएगा। तो चलिए हमने लगभग बनाना को चॉप कर लिया है, स्वाद अनुसार मैं इसे रख रहा हूँ। आपको बनाना ज़्यादा पसंद हो तो आप बनाना ज़्यादा ऐड कर लें, कम पसंद हो तो कम ही छोड़ दें। अब हम इसको करेंगे फोल्ड। आपको इसे कैसे फोल्ड करना है, सेमी सर्कल में, जैसे गुजिया होती है ना छोटी, जो नॉर्थ इंडिया में होली पे खाई जाती है, कुछ उसी शेप में आपने इसे फोल्ड करना है। बस इसका साइज थोड़ा बिगर होगा। ये देखिए दोस्तों, ऐसे से फिंगर से प्रेस कीजिए, और अगर आप फिंगर से प्रेस करने के बाद इसे डिज़ाइन देना चाहते हैं तो कोई भी घर में रखा फॉर्क उठा लीजिए, यानी कि कांटा जिससे हम नूडल्स खाते हैं, और उससे इस पर ऐसे डिज़ाइन दे दीजिए। जब तक इस पर डिज़ाइन देते हैं दोस्तों, बता दूं ऐसी मैंने ढेर सारी रेसिपीज़ अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करी हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो आपको हमारे यूट्यूब तक पहुंचाएगा, और आपको वहां ढेर सारी आसान रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। मेरी गुजारिश है ज़रूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा डिज़ाइन लगभग हो गया है पूरा। अब हम इसको जिस पैन में हमने ऑयल गर्म होने रखा था वहाँ डाल देते हैं। तो ये हमने यहाँ डाल दिया, ऑयल ऑलरेडी गर्म था, तो इसको सिर्फ 10 से 15 सेकंड ही लगेंगे क्रिस्पी रेड होने में। दिखाता हूँ आपको, 15 ही सेकंड में बढ़िया क्रिस्पी रेड हो गया है। अब इसको हम रिवर्स कर देंगे। अगर आपको ऑयल गर्म ना हो ज़्यादा तो आप इसे आधा मिनट भी छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मैं पलटता हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से पक गया है। कुछ ये आपको गार्लिक ब्रेड शेप भी कह सकते हैं इसे। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको ये यम्मीलिशियस बनाना परांठा, ज़रूर बताइएगा। घर पे बना के देखिएगा, थोड़ा सा यूनिक और डिफरेंट ज़रूर है, लेकिन एक बार बनाने के बाद आपको ऐसा ज़बरदस्त स्वाद आएगा इसका, आप कहेंगे भाई वाह क्या रेसिपी थी। तो हम इसे कर लेते हैं फटाफट, ऑयल निकाल के सर्व। आप भी तैयारी कर लीजिए इसे, घर पर बना के ज़रूर देखिए। और दोबारा से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब पर ज़रूर पहुँच के और ढेर सारी बढ़िया रेसिपीज़ देखिएगा। हमें खुशी मिलती है और आपको अच्छे अच्छे वीडियोस पहुंचाने की मोटिवेशन मिलती है। मैं चलता हूं दोस्तों, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें, और ऐसी ऐसी बढ़िया रेसिपीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पे आते रहें। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स।